and internationally for your service. मैं एक्चुअली बच्चों के साथ चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने आया था विद स्माइल फाउंडेशन एंड कसरत, लेकिन एक बच्ची का एक बर्थडे आज, सो इट्स नाइस टू बी विद किड्स. द एनर्जी इज बहुत पॉजिटिव होती है, बहुत प्योर होती है. हम थोड़े बड़े होके थोड़े करप्ट हो जाते, सो इट्स ऑलवेज गुड टू कम बैक एंड स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन. अब मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन इस साल थोड़ा ज़्यादा अच्छी से कर रहा हूँ चिल्ड्रंस डे, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ. लास्ट ईयर तक मैं बच्चा था. नो आई एम जस्ट किडिंग, बट शर्ट और केक का भी कसरत नज़र आ रहे हैं. हाँ, ये बेसिकली एक एनजीओ है हमारा जो हमने शुरू किया है, जो हम बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, किसी के साथ भी, यू नो, हम लोगों ने कोशिश ये की थी कि फ़िटनेस के साथ कुछ करें, लेकिन हमें लगा कि कसरत सिर्फ फिज़िकल नहीं होनी चाहिए, मेंटल भी होनी चाहिए, फिज़िकल इमोशनल भी होनी चाहिए. तो हमने चिम्बई विलेज में थोड़ा क्लीनिंग भी की है, बैंड्रा में बहुत काम कर रहे हैं, और अभी एकदम नया नया शुरुआत किया है. सो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आगे और काम करेंगे कसरत के अंडर. जैसा कि देखा जाए तो आज चिल्ड्रंस डे हमारे यहाँ देश में बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है. हाँ, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा अधिकतर देखा जाता है चिल्ड्रंस अब्यूज, चाइल्ड लेबर, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, क्या है कि ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम जो है वो घूम फिर के एजुकेशन पे आता है. क्योंकि अगर आप समझदार हैं, आप एजुकेटेड हैं, तो आपको गलत और सही में फ़र्क समझ में आएगा. अगर आप एजुकेटेड ही नहीं हैं तो काला और सफ़ेद में फ़र्क अगर नहीं जानते हो, या अरे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो तब आप फ़र्क ही नहीं कर पाएंगे. और ये सिर्फ गवर्नमेंट का ड्रॉबैक नहीं है, ये सिटीजन्स का भी है. ये सब हमको मिलकर करना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट तो आती जाती रहेगी, लोग रहेंगे. सो आई फील हम सबको मिलकर, स्पेशली मीडिया को, हम जैसे एक्टर्स को मिलकर, जितना हम एजुकेशन प्रमोट कर सके उतना बेहतर है, बिकॉज एजुकेटेड लोग ही आगे एजुकेशन पहुंचाएंगे कि भाई ये गलत है, ये सही है. मेरा ये मानना है. आपकी कोई चाइल्डहुड की मेमोरीज आप शेयर करना चाहते हैं? बहुत सारी मेमोरीज है. मैं बहुत शरारत करता था. आप लोग शरारत करते हो? मैं बहुत शरारत करता था. खाने पीने का बहुत शौक था, और कभी कभार क्या होता था, स्कूल जाने का मन नहीं है तो मैं ना स्कूल से आधा घंटा पहले, एक्चुअली बच्चे लोग हैं, उन लोग को आइडिया नहीं देना चाहता मैं, बट हाँ बच्चे हैं तो शरारत. देखो, जब तक शरारत किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, बच्चों को शरारती करना चाहिए, बिकॉज वही उसका इनोसेंस होता है बच्चों का. ज़्यादा स्मार्ट बन जाओगे तो फिर बच्चे नहीं रहोगे. और मुझे लगता है बड़ों को भी अपने अंदर का बच्चा अलाइव करना रखना चाहिए, क्योंकि उससे वो, यू नो, पॉजिटिव रहता है और जीवित रहता है और आगे बढ़ने की उसमें चाह रहे.